कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं सर। बढ़िया। हमने लास्ट क्लास में एम्पिरिकल फॉर्मूले पे छोड़ा था, ओके? तो हम चलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले की तरफ। एक मिनट में स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मैं आपको रीकैप देता हूँ। रीकैप में यह था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो कितना, ठीक है ना? अगर हमने उसका एग्जांपल ये डिस्कस किया था कि CH2O ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ये हमको बताता है कि इस कंपाउंड में ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है। मतलब हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से हमेशा 2 times होगा, ठीक है? अब इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आया था C6H12O6। इसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ये है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो ये हमें बताता है कि एग्जैक्ट, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है किसी कंपाउंड में कि किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट एटम कैसे हो। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको एन की जरूरत पड़ती है और एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को। तो जो वैल्यू आ जाएगी वहां यहां रखकर उसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना? और कभी कभी मोलर मास नहीं दिया होता है तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके हम मोलर मास निकाल लेते हैं, ओके? अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरफ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें बताता है कि एटम कैसे अटैच है, उसमें एटम का अटैचमेंट कैसा है, ठीक है ना? जैसे आप देख सकते हैं ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अब इस एसिटिक एसिड में एटम कैसे अटैच है, इस कार्बन से 3 hydrogen अटैच, ठीक है? और ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच और ये OH। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें क्या बताता है बच्चों? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें बताता है हाउ एटम अटैच्ड विद अनदर एटम इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक एटम दूसरे एटम से कैसे अटैच। कि हम CH3COH को अगर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन पहले, बीच में कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके? अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। तो हम एनसीईआरटी का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है या ये 6 number का क्वेश्चन है ये कर, ओके? तो क्वेश्चन क्या है, ए आयरन ऑक्साइड कंटेन 69.9% Fe एंड 30.1% ऑक्सीजन। कैलकुलेट कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर। इफ मोलर मास इज, इफ मोलर मास इज 158, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसे हम सॉल्व करें। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं बनाता हूं एक टेबल।
तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई और उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर एलिमेंट के नंबर लिख लिए, क्योंकि इसमें आयरन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है, इसलिए मैंने दो ही टेबल बनाई। तो ये हो गया एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमने देखा एफ है और यहाँ देखा ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एलिमेंट कौन कौन से। फिर हमने दूसरे टेबल में इनके एटॉमिक वेट लिखे। इनके एटॉमिक वेट होते हैं 56 और इसका एटॉमिक वेट 16 है। ये एटॉमिक वेट आपको क्वेश्चन के साथ गिवन होंगे, लेकिन कुछ छोटे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट गिवन नहीं होंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। अब हम यहां पर हमने इनका परसेंटेज लिख लिया। तो देखो आयरन का परसेंटेज कितना है, 69.9 और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 30.1%। मैं सोचता हूं किसी को इतने में प्रॉब्लम नहीं है, और ये सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन। अब हम क्या निकालेंगे, इनके मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, ऊपर तो मास और परसेंटेज रख देते हैं और नीचे निकाल रख देते हैं एटॉमिक वेट, नीचे रख देंगे एटॉमिक वेट। तो देखो आयरन का परसेंटेज कितना है, 69.9 और इसका एटॉमिक वेट कितना है, 56। ओके, अब ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 31.1 और एटॉमिक वेट है 16। क्या कोई बच्चा ये इंटू करके बता सकता है कि इसका डिवीजन कितना आएगा? कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा है सर? ऊपर वाले का 1.24, तो इसका अप्रोक्स आ जाएगा 1.25। अब नीचे वाले का कितना आएगा, 1.88 करेक्ट है, या आसपास चलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता ही आता है। अब हम यहाँ पर रिलेटिव मोल निकालते, हम निकालेंगे रिलेटिव मोल। और रिलेटिव मोल्स कैसे निकालते हैं, आप इन दोनों में से देखकर बता सकते हो कौन सी वैल्यू छोटी है दोनों में से, कौन सी वैल्यू स्मॉल है दोनों में से। 1.25 इज ए स्मॉलर वैल्यू देन 1.88। तो हम रिलेटिव मोल निकालने के लिए स्मॉलर वैल्यू से सारी वैल्यू को डिवाइड कर दें। फिर से रिपीट करता हूं, मोल निकालेंगे फिर देखेंगे किसके मोल कम है, जिसके मोल कम होंगे उससे बाकी नंबर्स को डिवाइड कर दें। तो ये तो देखो मुझे आता है डिवीजन करना, इसका डिवीजन तो 1 आएगा, इसका डिवीजन आप लोग बता दें कितना है। सर 1.50। तो 1.50 है ना। अब देखो क्या ये दोनों होल नंबर हैं क्या, ये दोनों होल नंबर हैं क्या? नहीं, ये ऑड नंबर है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो फिर हमको दोनों को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट कॉलम है हमारा होल नंबर में। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 2 आ गया ना। और इस 1.50 को हमने, इस 1.50 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 3 हो गया। देखो इतने में किसी को डाउट है? नो सर। अब हमारा होल नंबर आ गया है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, आयरन कितने हो गए, आयरन के एटम कोई बता सकता है, 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 3, और हमने बाहर लगा दिया N, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हमको निकालना है इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी। ओके, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको पहले
मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं Fe2O3 का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसमें कितने आयरन हैं? 2, और एक आयरन का वेट 56 है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक ऑक्सीजन का वेट 16 होता है। तो कोई इसका सम बता सकता है क्या कितना होगा? आई थिंक ये 160। तो यहाँ पर ये वैल्यू ना मैंने रॉन्ग लिखी थी क्वेश्चन में, ये 160 ही होगी। तो अब हमने एन निकालना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 160 और मॉलिकुलर मास भी 160। कितने से कितनी वैल्यू आ गई? 1, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आई? 1। तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे किया? Fe2O3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला भी कितना आ गया? Fe2O3। ये एनसीईआरटी में 2 बार दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार नंबर 3 पर है और एक बार नंबर 6 पर, ठीक है ना। तो आप लिख ले इसको एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 और 6। ओके, देखो किसी को इतने में डाउट है। हाँ बोले, सर ये वापस समझा दीजिए, यहाँ से कनेक्शन कट हो गया था। ओके, एक कंपाउंड है जिसमें आयरन का परसेंटेज 69.9 है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.1%। ओके, हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलर मास निकालना है। अब इसके स्टेप्स है, तो आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आप स्टेप याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एलिमेंट का सिंबल लिख लिया, कोई डाउट किसी को? आयरन और ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक वेट लिख दिए दोनों के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, और कम से कम कोई टिपिकल होगा तो वो तो जरूर। फिर थर्ड कॉलम में हमने उनके परसेंटेज लिख ली, ठीक है। 69 आयरन है, ऑक्सीजन 30.1%। फिर हम मोल निकालते, मोल निकालने के लिए ऊपर तो हमने वेट या परसेंटेज रख दिया और नीचे उसका एटॉमिक वेट रख दिया, डिवाइड किया 1.25 मोल आ। फिर हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज ऊपर रखा और 16 से डिवाइड कर दिया, 1.88 आ गए। अब ये दो स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 1.25। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 1.25। किसका कनेक्ट नहीं हो रहा भाई? हम देखते हैं एक बार। सबका चल रहा है, ओके। हमने देखा इसमें से 1.25 एक स्मॉलर वैल्यू है या आयरन के मोल कम है, तो रिलेटिव मोल्स निकालने के लिए हमने 1.25 से दोनों को डिवाइड किया, तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1.88 को 1.25 से डिवाइड किया तो 1.50 आ गया। अब 1.50 एक ऑड नंबर है या फिर फ्रैक्शन नंबर, इस फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल डिजिट 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया और 3 आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा हो गया Fe2O3, क्योंकि आयरन के एटम 2 है और ऑक्सीजन के एटम 3। अब हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला, आयरन के 2 एटम थे, 2 × 56 प्लस 3 एटम ऑक्सीजन के हैं तो 3 × 60 और ऐड किया तो 160 आ गया। अब एन निकालने के लिए क्या किया? ऊपर तो रखा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और यहां रखा मोलर मास जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, वैल्यू 1 आ गई।
हमने यहाँ एन की जगह वन रखकर मल्टीप्लाई कर दिया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आ गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इसको हटा रहा हूं और आप इनटू करने की कोशिश कर। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कंपाउंड कंटेन 50% कार्बन, 50% कार्बन है और 50% हाइड्रोजन, सॉरी 50% ऑक्सीजन, और इसका मोलर मास 290 है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट। तो हमने क्या किया, इन टेबल को खाली कर दिया। और इसको साफ, तो बताओ बच्चों फर्स्ट वाले कॉलम में हम नंबर लिखेंगे कि एलिमेंट कितने हैं, सेकंड वाले कॉलम में हम ये लिखेंगे एलिमेंट कौन कौन से है, तो कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक वेट कोई बता सकता है, 12, और ऑक्सीजन का 16। अब बताओ कार्बन का परसेंटेज कितना है, 50%, और ऑक्सीजन का कितना है, 50%। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक वेट से और 50 को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से। तो बताओ जब 50 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.63 नहीं आएगा, शायद दोबारा से चेक करके देखो, 17 तो नहीं आएगा या 17 के आसपास, 4.17। तो कुछ बच्चे जैसे अभी इस बच्चे ने गलती करी है ऐसे ही गलती कर दे, ठीक है ना। तो इस पे आप ध्यान रखें, 50 को 16 से डिवाइड करो तो बताओ कितना आएगा, 3.12। हाँ चलेगा। अब बताओ इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 3.12। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में, डिवाइड करेंगे 3.12। तो हम 4.17 को डिवाइड करेंगे 3.12 से और 3.12 को डिवाइड करेंगे 3.12। ये तो मुझे आता है 1 होता है। दूसरा वाला आप बता दो, 1.33। किसी ने डिवाइड किया 1.33 इज एक्यूरेट, सही है। अब सारे नंबर होल नंबर है क्या, नो सर। तो अब इसको होल नंबर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, ये दिमाग का काम, इसको कोई टीचर पहले से नहीं बता सकता कि 2 से ही करना है या 3 से करना है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों नंबर होल नंबर में आ जाए, क्या 2 से करने से आ जाएंगी, 3 नहीं, तो हम 3 से अगर करें तो ये अप्रोक्स 4 हो जाएगा और ये अप्रोक्स 3 हो जाएगा, ओके। ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 3। तो अब बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4 और O3। कोई डाउट इतने में, नो सर। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, तो अब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, अभी देखते हैं क्या होता है। ये बात के बाद में पहले हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकला, ओके। तो बताओ
इसका मोलर मास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा? 96 है। तो एक बच्चे 96 बता रही है, इज एक्यूरेट और नॉट, क्या सही है ये? यस सर, ये सही है। अगर किसी का नहीं आया हो तो देख लो, 4 into 12 और 3 into 16 इज इक्वल टू 96। ओके, अब हमको निकालना है क्या? एन, क्या निकालना है? एन। ओके, तो एन निकालेंगे तो बताओ मोलर मास कितना है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो देखो कितना गिवन है। ये लिखा हुआ है 290, कितना? तो 290 को हमने डिवाइड कर दिया 96 से। कोई बता सकता है कितना आएगा? 3.02। तो ये अप्रोक्स 3 हो गया, राउंड फिगर किया तो कितना हो गया? 3। अब एम्पेरिकल फॉर्मूले को C3C4O3 और n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 3। सर ये n के फॉर्मूले में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऊपर रखना है या मोलर मास ऊपर रखना है? ऊपर मोलर मास, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी। अगर हमने पहले कहीं गलत कर दिया है तो ठीक कर ले। ओके, ऊपर मोलर मास आएगा, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है? तो अब हो गया C4 जा 12 और C3 जा 9। कोई गूगल करके बताओ ये कंपाउंड कौन सा है? कर रहे हैं सर। और जिसको ये कॉपी करना है वो कॉपी भी कर सकते। सर मेलोटिन एनहाइड्रेट है, मेलोनिक मेलोटिक एनहाइड्रेट। अच्छा, मेलेटिक एनहाइड्रेट, ठीक है ना, हमने भी बहुत सालों बाद सुना मैलेटिक एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का नाम, पर नहीं याद करोगे तो फायदा, जैसे हमको याद नहीं है तुम भी याद मत। ओके, तो ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है ना, तो अपन देखते हैं कि अपन निकाल पाते हैं या नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन, जो सही करेगा स्कूल खोलने के बाद एक चॉकलेट पक्की, आज ही नाम लिख लेना। सोडियम का परसेंटेज गिवन है 42% और फास्फोरस का परसेंटेज गिवन है 18.9 और ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है 39.04, ठीक है। अब हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कुछ बच्चों को इनके एटॉमिक वेट नहीं आते होंगे, तो मैं एटॉमिक वेट लिख देता हूं। 23 सोडियम का होता है, फास्फोरस का 31 या 30 ले लेते हैं, नहीं 32 तो सल्फर का होता है, और ऑक्सीजन का 60। तो स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना, और जिनको और नहीं आए तो टेंशन की कोई बात नहीं। ओके, हम सॉल्व करेंगे तब देखिए। तो आप हमसे आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलो। ये हमने टेबल को साफ कर दिया। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो हमने 3 एलिमेंट लिखे
और वो थ्री एलिमेंट है सोडियम फास्फोरस ऑक्सीजन। इनके एटॉमिक वेट हमने आपको दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन में मिलेंगे 31-60% आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे, घर से नहीं लाने हैं। 18.09 नहीं 9 और 39.04। ओ ये तो आज बड़ी जल्दी खत्म हो गया भी, क्या करें, वापस से कर लें क्या? सर अभी तो नॉमिनेटर सर हो जाएगा वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा। यस सर। हाँ भैया चॉकलेट का सवाल है, करूंगा तो कर या मैं। 40.07 को जब हम डिवाइड करेंगे 23 से, 18.9 को डिवाइड करेंगे 31 से, 39.04 को डिवाइड करेंगे किससे 60। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 1.82 या 1.83, ये 0.61 आ जाएगी। और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 2.4। इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.61। छोटी वैल्यू है 1.61। तो 0.61 डिवाइडेड बाय 0.61 और 2.41 डिवाइडेड बाय 0.61। फर्स्ट वाले को डिवाइड किया अप्रोक्स 3 आ जाएगा, सेकेंड वाले को 1 आएगा ही आएगा, ये तो हमें आता है डिवाइड करना, और थर्ड वाले का डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 4 आ जाएगा। ओके, होल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? Na3P4O4। Na3P4O4। ठीक है। अरे ये बताओ बच्चों, क्लास थोड़ी जल्दी से कर लिया करें क्या? दो बार पढ़ा सकते हैं फिर हम है? या 9 o'clock ही ठीक है? सर यही ठीक है। हाँ सुबह सुबह उठते हैं बहुत कष्ट होता है, 9, 8, 8:30। ठीक है ना, तो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही सर। गुड। हाँ बोल। मोलर मास कहाँ है इसका, क्या है इसका मोलर मास? तो हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चे निकालना ही नहीं था। अच्छा। हमें सिर्फ निकालना था एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना था, मोलर मास निकालना ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लास्ट क्वेश्चन और है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है, पर उसमें कार्बन का परसेंटेज नहीं दिया है, तो हमको कार्बन का परसेंटेज भी निकालना है। तो आपका होमवर्क है एनसीईआरटी का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? वेल्डिंग गैस है, उसको करने की कोशिश करना, हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो और बढ़िया, क्यों फिर हम करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस आराम से दिमाग को यूज करना, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको निकालना ही निकालना, लेकिन अगर आप देखो क्या है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये आप मैं कितनी बार भी सॉल्व कर दूं, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आप पेपर में नहीं निकाल पाओ, ये बात डेफिनेट। और आप 11th में आए हो, काफी चीजें बदलती हैं, तो आप अगर अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो हमें लगता है ज्यादा सीखोगे, है ना? क्योंकि हमें ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होगा, हमें अच्छा पढ़ने से फायदा होगा, हमें ये सीख आना चाहिए कि कैसे ज्यादा सीखते। तो ज्यादा सीखने में न्यूमेरिकल पोर्शन है, और देखो फिजिकल और फिजिक्स, फिजिकल और फिजिक्स जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखो, ठीक है ना? और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक जितना ज्यादा रटोगे याद करोगे उतनी ज्यादा आएगी, और ऑर्गेनिक टीचर जितना अच्छा पढ़ाएगा उतनी ज्यादा आएगी,
फिजिकल और फिजिक्स में आप सोचोगे टीचर आपको सिखा देगा, नहीं, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन ज्यादा है। अब कोई डिवीजन में डूब गया तो इसमें टीचर क्या सिखाएगा? तो ये दोनों पार्ट प्रैक्टिस मांगते हैं।